नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। 6 साल पुराने तोड़फोड़ और हिंसा मामले में रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर समेत 9 लोगों पर आरोप तय हो चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत 9 लोगों पर 6 साल पहले धरना प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोप तय कर दिया है। इन नामजद लोगों में राज बब्बर भी शामिल है। अब 20 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार राय ने इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, बलवा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए हैं। अब 20 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी। इसी साल 20 फरवरी को राज्य सरकार ने जनहित में केस वापस लेने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने केस वापसी से इनकार कर दिया था। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 17 अगस्त 2015 को कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन में हुई तोड़फोड़ और हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। रीता बहुगुणा जोशी के साथ राज बब्बर और राकेश पति त्रिपाठी, ओमकार नाथ सिंह समेत 9 लोगों पर दाखिल चार्जशीट के बाद कोर्ट ने आरोप तय किया है। तो आगे की अपडेट जानने के लिए आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।